हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे पाखा। ये सोनी लीप ऐप पर रिलीज हुई और ये एक मलयालम मूवी जो कि आपको हिंदी में देखने मिलती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 40 मिनट की है और कहानी शुरू होती है केरला के एक गांव से, जहां पर एक नदी है जिसे ब्लड ऑफ रिवर भी कहा जाता है। और ऐसा दादी नानी कहानी सुनाते कि इस नदी की जो प्यास है वो बुझती है खून से, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस गांव में मर्डर्स होते हैं और उनकी लाशें उसी नदी में मिलती है। खैर, इसी गांव में दो ऐसी फैमिली है जिनके बीच में खानदानी दुश्मनी जरी, कई सालों से दुश्मनी जरी है। अब ऐसे में इन्हीं दो फैमिली में रहते हैं जॉनी और एना। अब अपनी दुश्मन की बेटी से प्यार करते हैं जॉनी। तो ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे मर्डर्स शुरू होते हैं, फिर क्या कुछ होता है और इसका एंड क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पाखा। देखो यार, पाखा के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो एक एटमॉस्फेयर उन लोगों ने क्रिएट किया, वो एटमॉस्फेयर में आप लोग कहीं ना कहीं खो जाते हो, जिसमें आपको डर भी लगता है और आपको ये एहसास भी होता है कि जो दुश्मनी है ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर सकते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू होते ही रहती है। और उससे अगर आप लोग एंड देखने जाओगे तो उसका एंड कुछ है ही नहीं, बस वो सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये मूवी हमें बहुत कुछ बताकर बहुत कुछ बोलना चाहती है, जो कि मुझे समझ में आएगा। आपको समझ में आया कि नहीं वो आप लोग ये मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कैरेक्टराइजेशन अच्छी तरह से किया है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है 1 घंटे 40 मिनट में, जो कि मैं सराहना देता हूँ। सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, बीजीएम मुझे बहुत अच्छा लगा एंड एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार मैंने इनमें से किसी एक्टर को किसी मूवी में नहीं देखा, पता नहीं क्यों नहीं देखा, बट सभी लोगों ने अपने हिस्से के लोगों बहुत अच्छी तरह से निभाया। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरीके की मूवीज वाकई में बनती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग नाच गाने वाली मूवीज देखते हैं लेकिन इस तरह की मूवीज भी हमें एक अलग सिनेमा आने का मौका देती है। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आप लोगों ने पाखा नहीं देखी तो डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है। पेरेंटल गाइडेंस में तब लोगों का अश्लील सीन तो नहीं है बट हाँ वॉयलेंस के है, लेकिन उसको भी तो खुल के नहीं बताया बट है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी। तो यार ये आखिरी वीडियो था आज का, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, bye।